ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो है हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम किसी भी चीज़ को फेस कर सकें, कहीं पे कोई बात कर सकें, स्टेज पे अपने व्यूज़ बयान कर सकें। इस ट्रेनिंग के बाद इतना हुआ है कि हम लोग किसी भी जगह जाकर अपना ओपिनियन बयान कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है हमारे अंदर। मैंने मैं सीखा था आपके बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, मैंने नाम लिखना भी अपना सीख लिया और थोड़ा थोड़ा और भी लिखना सीख लिया। हमें जो ट्रेनिंग मिली गई है ना, उसमें ये बताया गया कि ना अपनी सफाई कैसे रखनी चाहिए, अपने घर की कैसे सफाई रखनी चाहिए और अपने बच्चों को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। एटीएम नहीं चलाना आता किसी भाई का, सर यहाँ तनख्वाह निकलवा दो, लेकिन इन्होंने हमें एटीएम का तरीका सिखाया। अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, अपनी तनख्वाह निकाल लेता है। कि हम अपने जो यूनिफॉर्म पहले 3-4 दिन चलाते थे, हम वो रोज धुलाई करते हैं, इस्त्री करते हैं और साफ सुथरा होकर इधर आते हैं, क्योंकि देखने वालों को भी पता चले कि नौकरी पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। पहले जड़ा साहब आखे ना भी क्लास इज बनो तो असम बड़े घबरा गए, पता नहीं केड़ी शायद केड़ी शायद नहीं। जेले असा गए से ऊँ वाले सागो पता लगे जो भी अच्छी चीज़ है, असा रोज पीछे भजन शुरू कर लेते। ट्रेनिंग के दौरान हमें हिसाब करना भी सिखाया गया है, सवाल समझाए गए हैं और मेरे छोटे बहन भाई हैं घर में, मैंने उनको भी जमा तफरीक के सवाल समझाए हैं। इंग्लिश के जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं अल्फाज ज़िंदगी में, वो इन्होंने सिखाए भी। सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, सॉरी। महमूद ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग का इनकार किया और आइंदा भी हम सब की ये ख्वाहिश है कि इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस होते रहने चाहिए।